आसंता 2023 फेब्रुआरी 1 रे बजेट सेशन रे बहुत गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे निष्पत्ति निया जिवो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सामना रे देशर साधारण जनतांक ठारु आरंभ करी वित्तीय संस्था कर्मचारी और गृहिणी तथा छात्र छात्रीों पर सीनियर सिटीजन को नहीं अनेक निष्पत्ति करिपारंती तेणु ए समस्ते बजेट को अपेक्षा कर रही वित्त मंत्री टैक्स को मार्च पर लोकों पर केते मात्रा रे निर्धारित करिबे एहा तो बजेट सेशन पर ही जनापड़ तेज एहारी मध्यरे सरकारी कर्मचारी को मिलपे बहुत बड़ खुशी खबर बजेट सेशन पर कर्मचारी बढ़िपे दरमा यह कौन सूचना रही संपर्क में जाणी दिंतु जानवापी भिड को संपूर्ण देखु सरकारी कर्मचारी वेतनर फिटमेंट फैक्टर यूनियन बजेट 2023 पर संशोधित होवार संभावना रही फिटमेंट फैक्टर वृद्धि द्वारा सरकारी कर्मचारी दरमा बढ़ापे सरकारी कर्मचारी सर्वनिम्न दरमा जहाँ एवं 18,000 रही 26,000 टंका को वृद्धि पाइब साधारण फिटमेंट फैक्टर वर्तमान 2.57% रही अर्थ होउछि जदि 4200 ग्रेड पर 15,500 टंका मौलिक दरमा मिले ताहले तांकर मोट दरमा 15,500 टंकारु बढ़ी 39,835 टंका हेबो तेबे षष्ठ सीपीसी 1.86 फिटमेंट अनुपात को सुपारिश करथिला वर्तमान रिपोर्ट अनुसार फिटमेंट फैक्टर को 3.68 को वृद्धि करने को कर्मचारी माने सरकार को दावी कर फेब्रुआरी 20 अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट भाषण सहित 2023 बजेट उपस्थापना करा जिवो संसदर बजेट अधिवेशन जनवरी 31 रु आरंभ हेबो रिपोर्ट अनुसार सप्तम वेतन आयोग अधीन केन्द्र सरकारी कर्मचारी माने मार्च 2023 रे निजर महंगा भत्ता बा डीएरे वृद्धि होवार संभावना रही जहाँ जनवरी 1 रु लागू हेबो पेंशन भोगीों पर सरकार डीआर को मध्य वृद्धि करेंगे यह व्यतीत कर्मचारी माने 18 मासर डीए बकेया पाइबार संभावना रही तबे डीए और डीआर वर्ष को दुई थर संशोधित हुए 1 जनवरी एवं 1 जुलाई रु कार्यकारी होता डीए गत सेप्टेम्बर में वृद्धि पाई जहाद्वारा प्राय 48,00,000 केन्द्र सरकारी कर्मचारी एवं 68,00,000 पेंशन भोगी उपकृत होते डीएर 4% वृद्धि घटी यह पूर्व सप्तम वेतन आयोग अधीन सरकार मार्च में डीए को 3% वृद्धि कर 34% को बढ़ाई थे। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।